लिया तो हमें चुनाव लड़ना था इस बार। जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है, वैसे ही स्वार विधानसभा सीट में उपचुनाव भी होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी से साजिद पाशा जो है तैयारियां कर रहे थे, मगर टिकट नहीं दिया तो साथ में मुझे लग रहा है कि शायद बसपा यहां से चुनाव नहीं लड़ेगी, लिहाजा मनोबल जो है साजिद पाशा का नहीं टूटेगा। उन्होंने पीस पार्टी आज ज्वाइन कर ली है, जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में पीस पार्टी ज्वाइन की गई है, और अयूब खान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में चुनाव सुवार विधानसभा से लड़ा जाएगा। मैं सीधे ही पहले जिला अध्यक्ष से बात कर लेता हूं कि आखिरकार इस उपचुनाव में कितनी बड़ी महारत हासिल होगी, और आपकी जो बहुत दिनों से फील्डिंग चल रही है चुनाव को जीतने के लिए, क्या तैयारियां हैं? सर, हमारी पूरी तैयारी है, इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे, और करीब पीस पार्टी पौने दो महीने से फील्ड में काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत मजबूती से काम कर रही है, और अब तो हमारे बीच प्रत्याशी भी हमें मिल गए हैं साजिद पाशा साहब, और इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि और पार्टियों जो है, चाहे सपा हो या बसपा हो, ये चुनाव मैदान में है तो कहीं ना कहीं कोई वोट बैंकिंग का असर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम बहुबल क्षेत्र बताया जाता है और अल्पसंख्यक वोट क्या इधर खिसकेगा? नहीं, इंशाल्लाह सारे वोट हमारे पास आएंगे, और नहीं कैंडिडेट की बात तो जिस कैंडिडेट की हमें तलाश थी, इंशाल्लाह वो कैंडिडेट मिल गया हमें, और मुस्लिम और हिंदू वोट सारे एक हमारे पास आएंगे। अच्छा, ये स्वार की जनता को तलाश थी कि जो यहाँ का स्थानीय विधायक बने, यहाँ का जो युवा हो वो विधायक बने, हम रामपुर वालों के जो है नखरे नहीं झेलेंगे, उनके उनके पास जाते हैं, वो चले जाते हैं, आखिरकार यहाँ की जनता को क्या लगा कि 40-45 साल बाद अब यहाँ का ही बंदा चुना जाए? जनता को नसीहत लग चुकी है, रामपुर के बहुत चक्कर काटे हैं जनता ने, यहाँ से जो विधायक बने वो अपने घर पे जाके यहाँ के स्वार वाले, यहाँ के स्वार टांडा के लोगों से यहाँ का विधायक बनने के बाद मिलना पसंद नहीं करता था, अब यहाँ की जनता ने सोचा है, अब की बार पूरा मन बना लिया इंशाल्लाह कि हम यहाँ के ही विधायक चुनेंगे। ये जिला अध्यक्ष हैं इस्माइल साहब, इनके विचार ये थे। मेरे साथ सीधे साजिद भी जुड़ चुके हैं। साजिद पाशा जी, आप प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे हैं और पीस पार्टी ने आपको टिकट भी दे दिया, क्या कितनी खुशी आपको जाहिर हो रही है और मजबूती से कैसे चुनाव लड़ेंगे? बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर अयूब साहब का बहुत बहुत, उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और चुनाव की पूरी तैयारी हमारी तरफ से, और पीस पार्टी के जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे काफी टाइम से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं सभी लोग, और हमारी टीम भी, अब दोनों टीमें मिलके इंशाल्लाह चुनाव जीतना इस बार, क्योंकि यहाँ पे लोकल का मुद्दा तो पहले से चल ही रहा हमारा कि लोकल का प्रत्याशी चाहिए, अब बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं। अच्छा, आपका जो रुआब था और आपका जो माहौल बन रहा था, क्या लग रहा है आपको कि साठगांठ कर ली सपा और बसपा ने मिलके, क्योंकि बसपा जो है आपको टिकट देने जा रही थी? बसपा और सपा, इनके अंदर की बात है, अंदर का क्या कहा जा सकता है इन बातों को। आपको लग रहा है कि आपकी जो मेहनत थी रंग ला रही थी, लोग जो है लाइक कर रहे थे आपको? मेहनत रंग ला रही थी, रामपुर के लोगों को, सभी नेताओं को इन्हें लग रहा था चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए सब लोगों ने मिलकर साजिश के लिए, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसलिए पीस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी, और चुनाव जीतना है। साजिद पाशा के मनोबल को तोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, इनके बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है मनोबल तोड़ना, मनोबल इंसान खुद बनाता है अपना, ना ही कि दूसरे बनाते हैं। आप लड़ेंगे जी जान से? बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल जीतना तय है बिल्कुल भाई, बाकी अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर बात करें तो साजिद भाई, मूलभूत सुविधाओं से बहुत दिनों से 10 साल हो गए, इन 10 सालों में क्या इतना खास काम हुआ है, विकास की बात करें तो? स्वार काम इतना होता है, स्वार में जो विकास होता है, हमारे जो गांव के लोग हैं रामपुर जाते हैं और रामपुर में चक्कर लगाकर आ जाते हैं, इस विकास के अलावा तो कोई और विकास हुआ नहीं है स्वार टाटा में आज तक। तो आपने क्या प्लान बना रखा है कि इस बार किस तरीके का जो है बदलाव? इस बार बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं, वो इंशाल्लाह जीतने के बाद जो भी काम है हमारे वो पूरे करने हैं। बिजली विभाग का मामला सबसे पहला मुद्दा तो बिजली का है, अगर आंधी भी आ जाती है, धीरे से आंधी आ जाती है, तो लाइट पूरे क्षेत्र की खत्म हो जाती है हमारे यहाँ, और 8-8 दिन तक लाइट आती नहीं है। बिजली का बिल, अगर कोई एक बल्ब भी जला रहा है घर में तो उसका बिल 3 महीने का 40,000-20,000, इस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों के, तो इससे निजात दिलाएंगे लोगों को।
बिल्कुल निजात दिलाई जाएगी, जो हमारे करने का काम है किया जाएगा, चाहे रात हो या दिन हो, पब्लिक के काम से पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। बादल साहब भी हमारे साथ, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। आखिरकार साजिद पाशा को टिकट मिल गया और आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पीस पार्टी 2012 में 4 विधायक अपने जीते, जीतने का मकसद सिर्फ यही हमारा है कि हम लोग जात और धर्म के नाम पर सियासत नहीं कर रहे, विकास हमारा मुद्दा है। और इस बार साजिद पाशा जो हमारे उम्मीदवार हुए हैं डॉक्टर अय्यूब साहब के निर्देशानुसार, बहुत सोच के बनाया गया। इस बार यहाँ के लोगों ने देखा कि नेताओं का गठबंधन हुआ है और साजिद पाशा पीस पार्टी के लिए जनता गठबंधन कर लिया, यानी जमते जनते, ठीक है ना। जब जनता गठबंधन कर लेगी तो नेता फेल हो जाएंगे। अब स्वार विधानसभा का फैसला स्वार की जनता करेगी और रामपुर के नकली नवाब नहीं करेंगे। अब नवाबों से उबना चाहते हैं ये जनता। और दूसरी चीज, आपने अभी पूछा हमारे प्रत्याशी से कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, हमारा पीस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो IAS है, MBBS है, MS शिक्षित है। हम शिक्षित स्वार, विकसित स्वार। बहुत बढ़िया। बादल साहब की राय है, हालांकि रामपुर का उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है और पूरी तरीके से सियासी तौर पे जो गर्माहट है वो भी चालू हो चुकी है। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं, इस चुनाव में सियासी तौर पे अगर दावपेच की तो सपा बसपा जिस तरीके से सरेंडर करती नजर आ रही है, क्योंकि बसपा पहले प्रत्याशी उतार रही थी साजिद पाशा को, जब माहौल देखा कि माहौल बन रहा था तो वही कहीं ना कहीं बसपा ने सरेंडर कर दिया। तो कुल मिला के जज्बात अभी भी बुलंद है और साजिद पाशा जो है पीस पार्टी से मैदान में है और चुनाव लड़ेंगे। वीडियो के साथ अफान अहमद, 2 TV, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।